हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपलोड चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, यह है हम लोग के सामने में 8.1, इसी का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता हुआ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ओके, चलिए एक हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री वाला यानी कि समकोण वाला त्रिभुज को हम लोग यहां से बना लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे अब नाम हम लोग दे देते हैं कुछ भी। अच्छा, नाम कुछ भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि नाम यहाँ पे दिया हुआ है। बी पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर ये बी पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे नाम दे दीजिए ए, बी हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे सी हम लोग नाम दे देंगे। अब यहाँ से क्या क्या गिवेन है उस चीज को भी हम लोग देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ए बी इक्वल टू 24 ये दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 7 दिया हुआ है, एंड और क्या दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो साइन ए निकालना है और कॉस ए को निकालना पड़ेगा। ठीक है, साइन ए और कॉस ए को निकालना पड़ेगा। देखिए इससे पहले हम लोग 8.1 चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक जानकारी पे बात किए थे, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। और इस वीडियो के नीचे भी हम कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक को डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग का साइन निकालना है, कोस निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन, साइन इक्वल टू क्या होता है, ये होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए लंब दिया हुआ है लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस, कोस का क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। ओके, तो देखिए आधार दिया हुआ लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कर्ण को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम लोग सबसे पहले करते हैं हल। ओके, हल, हल क्या क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है लंब बराबर, लंब बराबर, लंब बराबर कितना हुआ है 24, और आधार कितना दिया हुआ है, आधार बराबर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 7। तो क्या निकालना है, ये निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इतना सारा कुछ यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब दिया हुआ है ना, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं, और क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे हम लोग को ये दिया हुआ है, दिया है, दिया है। अब करते हैं इसको हम लोग हल। ओके, कौन सा है फॉर्मूला का यूज करेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय द्वारा। चलिए तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हम लोग को यहां पे नहीं दिया हुआ है तो इसको रहने देते हैं, और ये लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 24, ओके, का स्क्वायर, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ओके, चलिए तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, दोनों को जोड़िएगा तो 9 और 6 कितना होता है 15। ठीक है, 7 और 4 11 और 1 12 और 1 यहाँ 5 और 1 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा h, स्क्वायर हटाइए उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। ठीक है, और ये कर्ण जो है ये कितना में टूटेगा, ये देखिए 625 किसका वर्ग है, इसको हम लोग 25 गुना 25 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 25। ठीक है, क्योंकि जोड़ा बनेगा ना तो जो दोनों जोड़ा से एक जोड़ा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से कर्ण कितना निकल गया, ये निकल जाता है 25। आई बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या निकालते हैं, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जानते हैं, और क्या बोल रहा है, साइन ए,
साइन ए। अब यहां पे देखने वाली बात यह है, जिस एंगल में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, जिस एंगल में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी एंगल में हम लोग को यहां पे साइन को भी निकालने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए साइन ए, तो साइन का क्या जानते हैं हम लोग, लंब, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लेकिन अब यहां पे देखने वाली बात यह है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कौन सा दिक्कत, अभी हम बता रहे हैं वो दिक्कत, ये परेशानी क्या हो जाएगा। हम लोग नाम लिए हैं यहां पे ए, और ये नाम हो जाएगा बी, और यहां पे नाम हो जाएगा सी। अब एक बात को यहां पे देखिए, अब यहां पे 25 ए निकला हुआ है, ये 7 निकला हुआ है, और ये 24 निकला हुआ है, ठीक है। चलिए अब जो बताने जा रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कैसे ध्यान से, जिस एंगल का बात करेगा, आई बात समझ में, जिस कोण का बात करेगा, अभी किस कोण का बात कर रहा है, एंगल ए का बात कर रहा है, ठीक है। तो एंगल ए यहां पे है, आई बात समझ में, एंगल ए यहां पे, तो उसका विपरीत भुजा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, अगर ये लंब बना ये कर्ण बना तो ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। फिर से बोल रहे हैं हम, जिस एंगल का बात करेगा, ट्रिगोनोमेट्री में जिस एंगल का बात करेगा, अभी आप लोग क्या निकालने बोल रहे हैं, साइन ए निकालने बोल रहा है। तो एंगल ए, एंगल ए कहां पे है, यहां पे एंगल ए है, तो उसका विपरीत भुजा, जिस एंगल का बात करेगा उसका विपरीत भुजा क्या बनता है, लंब बनेगा। तो अभी बीसी क्या बन जाएगा, लंब होगा, और एसी यानी कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, अगर ये दो चीज हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ए बी इक्वल टू आधार बनेगा। तो साइन का क्या हो जाता है, लंब बट्टा कर्ण। तो अभी लंब कितना है, अभी लंब हो जाएगा 7, और कर्ण तो कभी चेंज हो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 25। आपको दिक्कत, दूसरा में चलिए, दूसरा में क्या बोल रहा है, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए का क्या होगा, कॉस में क्या होता है, कॉस में हो जाएगा हम लोग का आधार बट्टा, आधार, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। लेकिन किसका एंगल का बात कर रहा है, किस एंगल का बात कर रहा है, एंगल ए एंगल का बात कर रहा है। तो एंगल ए कहां पे, यहां पे, तो इसका विपरीत भुजा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, तो ए बी क्या बन जाएगा, बस एक ही चीज बच जाता है, वो बच जाता है आधार। तो आधार कौन हो जाएगा, अभी अभी हो जाएगा 24, कर्ण कौन होगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये आंसर निकल के आ गया। फिर से बोल रहे हैं, जिस एंगल का बात करेगा, जिस एंगल का बात करेगा उसका विपरीत भुजा क्या बन जाता है, लंब बनता है, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, और जो बचा वो क्या बन जाएगा, आधार बनेगा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहां पे चलते हैं। देखिए अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन सी, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अभी तक हम लोग क्या निकाले हुए थे, यहां पे हम लोग जो ट्रिगो, यहां पे जो 90 डिग्री वाला था उसका क्या क्या निकाले हुए थे, हम लोग निकाले हुए थे कि ये बी था, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या था, ए था, और ये सी था। ये कितना निकला हुआ था, ये निकला हुआ था 25, ये 7, और ये कितना निकला हुआ था, 24। अभी किसको निकालने बोल रहा है, अभी निकालने बोल रहा है साइन सी, अभी किसको निकालने बोल रहा है, साइन सी। तो एंगल सी कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, एंगल सी कहाँ पे है, एंगल सी कहाँ पे है, ये वाला हो जाएगा एंगल सी। तो इसका विपरीत भुजा कौन हो जाएगा, ए बी, तो ये बन जाएगा लंब, और ये कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, तो ये बन जाएगा आधार, ठीक है। अभी हम लोग ओरिजिनल में आ गए, जैसा एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज में होता है वो सेम टू सेम हम लोग ऐसा ही आ गए, ओरिजिनल में आ गए, ठीक है। चलिए तो साइन सी, तो साइन सी, साइन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो लंब अभी कौन है, अभी है ए बी, यानी कि 24 बट्टा कर्ण यानी कि 25, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस सी, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा आधार, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, आधार कौन है अभी, अभी है देखिए, ये है आधार यानी कि बेस यानी कि 7/कर्ण कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको आंसर निकाले। जिस एंगल का बात करेगा उसका विपरीत भुजा क्या बन जाएगा, लंब बनेगा, कर्ण का भी चेंज होता नहीं है, बाद में जो बचा वो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। आई बात समझ में आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखिए। यहां पे क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, टेन पी माइनस कॉट आर, इसका मान को हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पे देखिए दिया हुआ है, दिया है, ये क्या दिया हुआ है भाई हम लोग के सामने में, क्या दिया हुआ है देखिए, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टेन पी माइनस कॉट आर। तो देखिए अभी तक एंगल किसका बात कर रहा है, ये वाला एंगल बात कर रहा है ना, यहां पे एंगल बात कर रहा है ना। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं अलग पैर, इस एंगल का बात कर रहा है। अभी तक हम क्या बताए थे, जिस एंगल का बात करेगा उसका विपरीत भुजा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लंब, आई बात समझ में, और कर्ण का भी परिवर्तन होता नहीं है और ये बाद बाकी बन जाएगा आधार, इतना वचन में आ गया। जिस एंगल का बात करेगा उसका विपरीत भुजा लंब बनता है, कर्ण का भी चेंज होगा नहीं और उस जो बाद बाकी बचा वो आधार बन जाएगा। तो देखिए टेन, तो टेन क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो अभी लंब कौन हो रहा है, क्यू आर लंब हो रहा है यहां से, क्यू आर लंब, और कर्ण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर माइनस माइनस, अब क्या आते हैं कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर। अच्छा इसको हम एक काम करते हैं कि इसको एक काम करते हैं हम अभी कि इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग इसको कि एक बार इसको हम लोग जो है लिख लेते हैं क्या क्या होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, चलिए, और तब ये बिल्कुल डिटेल्स में जानकारी देंगे, ठीक है। चलिए तो टेन का क्या हो जाएगा, लंब, लंब बट्टा आधार माइनस, कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, ठीक, यहां तक समझ में आ गया बात। अब यहां पे देखने वाली बात यह है किस एंगल का बात कर रहा है, एंगल पी का बात कर रहा है, यहां पे देखिएगा, ठीक है, तो इसका विपरीत क्या बन जाएगा, भुजा लंब बन जाएगा, कर्ण का भी चेंज होता नहीं है और जो बाकी बचा वो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, इतना बात समझ में आ गया। चलिए तो टेन का क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, तो लंब अभी कौन है, अभी है लंब क्यू आर बट्टा आधार, कौन है, आधार है पी क्यू माइनस, यहां पे होगा कॉट आर, कॉट कॉट मतलब आधार बट्टा लंब, किस एंगल का बात कर रहा है, आर का बात कर रहा है, तो आर यहां पे है, तो आर देख रहे हैं यहां पे, अभी हम दूसरा पेन का यूज अभी करने जा रहे हैं, ठीक है, अभी देखिए आर यहां पे है, आर यहां पे है ना, तो इसका विपरीत भुजा क्या बन जाएगा, अभी ये बन जाएगा लंब और ये कर्ण का भी परिवर्तन नहीं होता है और ये बन जाएगा आधार, और इसका हम काला पेन से ही लिख रहे हैं, आधार कौन होगा, आधार होगा अभी क्यू आर और लंब हो जाएगा यहां से पी क्यू, कोई दिक्कत, फिर से बोल रहे हैं जिस एंगल का बात करेगा उसका विपरीत भुजा बनेगा लंब। चलिए आप देखिए क्यू आर बट्टा पी क्यू, क्यू आर बट्टा पी क्यू दोनों कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा हम लोग के सामने में, ये बचेगा आर्यभट्ट द्वारा खोजा गया जीरो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहां पे आता हुआ है ना, देखिए अब यहां पे क्या है, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया है साइन ए, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, और क्या निकालना है कॉस ए, और ये निकालना है टेन ए। चलिए अब यहां से देखने वाली बात क्या है कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बट्टा
कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, और यहां पे कितना दिया हुआ है 3/4। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाता है कि लंब कितना है, ये है 3 है, और कर्ण कितना है 4 है। तो क्या निकालना पड़ेगा, आधार को निकालना पड़ेगा, आधार को निकालना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 क्या होगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 का, ठीक है, स्क्वायर, जोड़ आधार कितना है, आधार हम लोग को पता नहीं है। तो अब यहां पे कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। ओके, इतना बात समझ में आ गया है ना, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है बी स्क्वायर बराबर 16 - 9। कोई दिक्कत यहां तक, तो यहां से हो जाएगा आपका स्क्वायर हटाइएगा तो उधर जाके रूट 16 - 9 कितना होता है, कितना हो जाएगा 7 होगा, √7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या है, cos a, तो cos a, cos का मतलब क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, यानी कि b/h, ठीक। चलिए तो यहां पे एक बात को समझिएगा, जिस एंगल में यहां पे क्वेश्चन पूछा है उसी एंगल में यहां पे आप लोग को क्वेश्चन भी पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन जिस एंगल में दिया हुआ है देखिए उसी एंगल में यहां पे पूछ भी रहा है, इसीलिए अभी परिवर्तन करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आधार हम लोग कितना निकाले हैं, √7, कितना √7 / कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में होगा tan a, तो अभी हम लोग क्या जानते हैं, tan a बराबर होता है, क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा, यहां पे होगा 3/ आधार, आधार कितना है √7, यही हो जाएगा हम लोग के सामने में आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, और साइन कॉस टेन का याद करने का तरीका तो हम बताए हैं, क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद, क्या हो जाएगा, हर हर बोल। तो देखिए यहां पे p/h साइन, b/h कॉस, और p/b क्या हो जाएगा टेन, ठीक है। इस बात को हमेशा यहां पे क्या रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। यहां पे फिर से देखिए क्या बोला है, 15 cot a दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, 15 cot a बराबर 8, इतना समझ में आ गया। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, 8/15, है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं, हल में जाइए, हल में जाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, यहां पे देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि cot बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो आधार यहां पे कितना दिया हुआ, 8/ और ये कितना है 15। चलिए तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है ना, और किसका उपयोग करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि आधार और लंब दिया हुआ है तो कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा,
ओके चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लिख दे रहे हैं आधार यानी कि बेस कितना दिया हुआ है 8 और लंब बराबर ये दिया हुआ है 15, तो कर्ण यहां से निकाल लेंगे हम लोग, ओके ना। तो ये लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 15 और आधार दिया हुआ है 8, ओके चलिए। तो ये होता है 15 का होगा 225 और 8 का हो जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा एच और रूट चढ़ जाएगा उधर, स्क्वायर उधर जाके रूट लग जाता है, और ये किसका है, ये 17 गुना 17 में टूटेगा, तो हाइपोटेनस कितना निकल जाएगा 17। तो क्या निकल के आ गया हम लोग के सामने में, ये निकल के आ जाता है 17, यानी कि लंब कितना निकलेगा, सॉरी कर्ण कितना निकलेगा, कर्ण निकलेगा 17, ठीक है। और ऐसे भी ये 15 8 15 17 का ही क्या है, ये त्रियक है। चलिए तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन ए, देखिए जिस एंगल में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी एंगल में पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब कितना है, ये हो जाएगा 15 और कर्ण कितना निकला 17, उसके बाद क्या हो जाएगा सेक, देखिए सेक ए, तो सेक ये किसका उल्टा, देखिए इसको हम बताएं आपको याद करने के लिए, क्या पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो देखिए पी बाई एच से साइन हो जाएगा, बी बाई एच से कॉस हो जाएगा, पी बाई बी से क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, लेकिन जब इसी का उल्टा कीजिएगा एच बाई पी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक और सेक का हो जाएगा एच बाई बी, यानी कि क्या हो जाएगा कर्ण, यानी कि एच बाई बी यानी कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण कितना है हम लोग के सामने में, कर्ण है 17 और आधार कितना है हम लोग के सामने में, आधार कितना है, आधार है 8, यही हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहां पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि यदि सेक थीटा कोई एंगल का बात नहीं किया है, ए बी सी कुछ एंगल का बात नहीं किया है, यहाँ पे किया है थीटा, अगर सेक थीटा अगर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को भी हम लोग ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग को दिया हुआ है, दिया है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। चलिए हल में आते हैं हम लोग, हल हल में जाते हैं और क्या करना होगा, इसमें हल में जाकर के हम लोग करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर, देखिए अभी हम यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बताते हैं जो कि हम पहला वीडियो में भी बता चुके हैं, जहाँ जो कि हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रहे थे, क्या हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, अगर आप जाते हो ऊपर से नीचे तो क्या हो जाएगा ये साइन पी बाई एच, ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर से नीचे तो ये हो जाता है यहाँ पे कॉस और ऊपर से नीचे आ जाओगे तो ये होगा टेन, देखिए पी बाई एच साइन बी बाई एच कॉस और क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए पंडित बद्री प्रसाद यहाँ पे एच नहीं होगा ये होगा प्रसाद, ठीक है। चलिए तो साइन का पी बाई एच कॉस का बी बाई एच और टेन का पी बाई बी, अब नीचे से ऊपर तरफ जाओगे उल्टा तो कोसेक का होगा और दूसरा बात में सेक का होगा, तो सेक का क्या हो जाएगा सेक का होगा कर्ण कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा आधार आधार, तो कर्ण हम लोग को कितना देकर रखा हुआ है, देखिए यहां पे देकर रखा हुआ है 13 और आधार बट्टा ये दिया हुआ है 12,
ठीक है, चलिए इसका मतलब ये हो गया कि कर्ण दिया हुआ है 13 का, आधार दिया हुआ है 12 का, तो क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर निकालना होगा लंब। ठीक है, चलिए अब किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अब हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय द्वारा। ओके, क्या होता है ये, एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहां पे 13, चलिए लंब क्या है 12, अलग फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है, इसी से हम लोग का सारा कुछ निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी से हम लोग का सारा कुछ निकल के आ जाएगा, अलग फॉर्मूला यहां से यूज करने का जरूरत नहीं है। नहीं तो आप लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं, देखिए ये है हम लोग का यहां पे आधार। ठीक है, इतना बस में आ गया, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, और ये बी पता नहीं है, बी को हम लोग ऐसे ही बी जैसा ही लिख देते हैं। तो यहां से क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो 169 माइनस 144 कितना निकलेगा, 25। तो यहां पे आधार स्क्वायर उधर रूट जाएगा बराबर के उधर, तो क्या बन जाएगा, वो रूट बन जाएगा। तो और ये किसका है, ये है 5 का स्क्वायर, सॉरी क्या है, वर्ग रूट है। आई बस में आता, तो बेस कितना निकल गया, 5 निकल गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे क्या क्या निकल चुका, लंब, ठीक है, और ये आधार और ये कर्ण, कितना कितना निकला हम लोग के सामने में, ये कितना कितना निकला, ध्यान से देखिएगा, ये कितना कितना निकला, कितना कितना निकला हम लोग के सामने में, देखिए यहां पे लंब कितना है, ये किधर गया, हाँ लंब निकल गया, हाँ लंब 12 निकल गया। ठीक है, लंब है 12, ठीक है, कर्ण है 13, और ये आधार है 5, और एक बार देख लेते हैं हम लोग, हाँ आधार हो जाएगा यहां से 5, लंब हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना था, सभी त्रिकोणमिति को निकालना था ना, तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, सबको निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए चलिए साइन थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अब क्या हो जाएगा यहां से टेन थीटा। ओके, इतना बात समझ में आ जाएगा, है ना। अब दूसरा में क्या जाएंगे हम लोग, कोसेक, कोसेक थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा सेक थीटा, उसके बाद क्या आ जाएगा कॉट थीटा। अब यहां पे बहुत ही सुंदर सा एक ट्रिक्स बता रहे हैं याद करने का, इसका तरीका क्या हो जाएगा, यहां पे होगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। आई वासन में, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो देखिए यहां पे हो जाएगा साइन का पी बाई एच, ये हो जाएगा हम लोग का साइन, ये हो जाएगा हम लोग का कॉस, और ये हो जाएगा हम लोग का टेन। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा पी बट्टा एच यानी लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, अब यहां से देखिए, तो यहां से देखिए पी बाई एच, अब आते हैं कॉस में, तो कॉस का क्या होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा आपका बी बाई एच यानी कि आधार बट्टा कर्ण, और ये होगा टेन, तो टेन का क्या हो जाएगा, ये होगा पी बाई बी। ओके, चलिए अब यहां से कोसेक, अब नीचे से ऊपर जाना है आपको, तो ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉट। ऊपर से आइएगा साइन कॉस टेन, नीचे से जाइएगा तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा उल्टा इसका कोसेक सेक और कॉट। चलिए तो कोसेक का क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट एच बाई क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। आई बात समझ में, ऐसे भी साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक, और सेक, सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टा क्या आधार, और कोट का क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। और ऐसे भी हम लोग का क्या हो जाता है, यहां पे हो जाता है साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, और ये कोसेक का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट।
तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, साइन का पी बाई एच, तो देखिए यहां से ये हो जाएगा 12 बट्टा कितना, एच मतलब 13, ठीक है, बी बाई एच तो यहां से कितना होगा 5 बट्टा 13, और ये लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार यानी कि कितना हो जाएगा 5, ठीक है। कोसेक का चलिए, तो कोसेक का हो जाएगा 13/12, ओके, यहां पे क्या हो जाएगा 13/5, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5/12, ठीक है। ये ट्रिक्स अच्छा लगा, ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसी तरीके आपको कुछ जानकारी मिल रहा होगा, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक करना है, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और इसी तरीके का वीडियो हम लोग जो है चैप्टर बाय चैप्टर लाते लाएंगे और एनसीईआरटी को टोटल तरीके से खत्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।